सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी लेके आ चुके हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी स्टूडेंट के लिए क्या खुशखबरी लेके आए हैं इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग एएनएम जीएनएम आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रसोईया दैनिक कर्मी से लेकर बिहार के 4400 विभाग के सभी संविदा कर्मी को नियुक्त किया जाएगा। अभी अभी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जानिए पूरी जानकारी डिटेल्स में जल्दी से। तो दोस्तों अभी अभी देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया। अब बिहार के 4400 विभाग में जो भी संविदा पर कार्य कर रहे हैं सभी को परमानेंट किया जाएगा, क्योंकि अभी अभी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया है। तो चलिए नोटिस में क्या दिया गया है, हम नोटिस डाउनलोड करके बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले यहां पर देखिए 25/10/2024, ठीक है। अब देखिए बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग रजनीश कुमार सरकार के संयुक्त सचिव सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव सभी विभागाध्यक्ष बिहार पटना। अब देखिए विषय सबसे इंपोर्टेंट और अहम, वर्ष 2005 से अब तक संविदा के आधार पर एवं वायसरॉय से नियोजित कर्मियों से संबंधित आंकड़ा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, जो 2005 के बाद संविदा पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बिहार के 4400 विभाग में वे सभी लोगों के जो है डाटा मांगा गया है किनसे, देखिए तो सभी अपर मुख्य सचिव को, प्रधान सचिव को और सचिव सभी विभाग, ठीक है, विभाग अध्यक्ष सभी को लिखा गया है और जल्द से जल्द बोला है जो सभी के डाटा दीजिए, समझे कि नहीं। आगे देख लीजिए, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन प्रत्येक मुख्यालय संलग्न कार्यालय में संविदा के आधार पर एवं 22 स्रोतों से नियोजित कर्मियों सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के ज्ञापन 10,000 दिनांक 10/7/2015 में निहित प्रावधान के आलोक में संविदा पर नियोजित कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों को छोड़कर के संबंध में आंकड़ा प्रतिवेदन 2005 से अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग अलग आंकड़े विहित पत्र में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, कृपया इसे प्राथमिकता दी जाए, ठीक है। और नीचे देखिए आपको जो है फॉर्मेट भी दिया गया, ठीक है, फॉर्मेट भी दिया गया है, हर वर्ष का फॉर्मेट दिया गया है, इसमें आपको भर के देना है, ठीक है। आप देख रहे हैं सभी, देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार संविदा नियोजित कर्मी के लिए देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, देखिए अनारक्षित, उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद पिछड़ा वर्ग अनारक्षित, ठीक है, ये देखिए इस टाइप को आपको दिया गया है, ठीक है, ये टोटल दो है, ठीक है। अब देखिए पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी दिया गया है, कहाँ कौन किस विभाग में कार्यरत है, ठीक है, ये पूरा पढ़ सकते हैं, समझे। देखिए हर चीज दिया गया है इसमें जो है, अब जो भी हमारे संविदा कर्मी है बिहार के 4400 विभाग में, ठीक है, खासकर स्वास्थ्य विभाग में सभी को अब परमानेंट किया जाएगा। इतना दिन से आप सिर्फ पेपर वगैरह में सुनते थे, हर चीज सुनते थे और नीतीश बाबू बोले थे सबको हम परमानेंट करेंगे, और अब देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा फाइनल नोटिस भी जारी कर दिया गया। अब सभी से, ठीक है, डाटा मांगा गया है, उसके बाद डाटा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ठीक पास जाएगा, उसके बाद कैबिनेट बैठक होगी और उसमें फाइनल मोहर लगेगा और आप लोग को परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इससे पहले तो इस पर मोहर लग चुकी है हर चीज, फिर से जो है जब सामान्य प्रशासन विभाग डाटा मांगा है तो अब समझ लीजिए सही में आप लोग को जो है परमानेंट किया जाएगा, क्योंकि इतना दिन से आप सही समझ रहे थे, पेपर में इधर से सुन रहे थे और नीतीश बाबू बोल रहे थे, जब सामान्य प्रशासन विभाग जब डाटा मांग दिया है तो 100% आप लोग को परमानेंट किया जाएगा, ठीक है, ये गारंटी हम आपको दे रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं जब सामान्य प्रशासन विभाग डाटा मांगा है, क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए रोस्टर यहीं पर क्लियर होता है, जो भी वैकेंसी आपको जारी होती है हर चीज होती है तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ही क्लियर किया जाता है हर चीज, ठीक है, फाइनल मोहर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लगता है, उसके बाद ही आयोग को भेजा जाता है यदि याचना, अब आपको वैकेंसी जारी होती है, वही बात है जब सामान्य प्रशासन विभाग आपसे सभी, ठीक है, विभाग से डाटा मांगा है तो 100% अब आपको परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। तो सभी एनएम वालों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, खासकर हमारे जो भी संविदा एनएम संविदा पर कार्य कर रहे हैं। तो चलिए अभी 9 बजे आते हैं लाइव में, क्योंकि आज तो लेट हो गया यही वीडियो बनाने के चक्कर में,
तो चलिए अभी हम लोग 9:30 बजे मिलते हैं, सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ना नहीं भूलेंगे। और जो भी है स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं 9 बजे क्लास में।